हेलो एवरीवन, दिस इज़ भव्य रामपाल, योर ट्रेनर एंड गाइड फॉर क्रैकिंग ऑल स्कूल टीचिंग एग्जाम्स. एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन दिस एक्सेप्शनल एंड रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म दैट इज़ लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी हार्ड स्टडीज एंड आई होप यू ऑल हैव सब्सक्राइब्ड आवर लर्न टू लीड चैनल. सो स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अपने इस चैनल के थ्रू आपको करवा रहे हैं 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स, जस्ट लाइक CTET, PTET, KVS, NVS एंड मैनी मोर, ठीक है जी, एंड UGC नेट ऑफ कोर्स. सो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज आपकी मोटिवेशन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है. सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑफ कोर्स 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4. दो टॉपिक्स हमारे उसके अभी रहते हैं करने वाले, तो इस वीडियो में मैं आपको जो है वही दो टॉपिक जो हमारे पेंडिंग है चैप्टर 4 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी, वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में करवाने वाली हूँ. सो फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स, हम आपके लिए बहुत सारी कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स की सीरीज़ जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद अस और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक ज़रूर पहुँचाइए. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो अब तक हमने 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कर लिए हैं. हम जो है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कर चुके हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में डिटेल में कर चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हम डिटेल में कर चुके हैं, ओके, वेदर के बारे में पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, एयर प्रेशर के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ तक हमने सब कुछ क्लियर पढ़ लिया हुआ है. तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि मेरी आज की वीडियो देखने से पहले आप मेरे 7th क्लास ज्योग्राफी की जितनी भी 4 चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज उनको देखे बिना आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है. और जो मैंने आपको ऑलरेडी टॉपिक करवा दिए हैं चैप्टर 4 में से, वो बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो तो आप बिल्कुल भी मिस करने का रिस्क मत लीजिएगा, ओके. तो आज हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 जो है 7th क्लास ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ जाते हैं हर एक स्कूल टीचिंग एग्जाम में, ठीक है. तो आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज विंड, ठीक है जी. विंड क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड द विंड. हमने कल ये कंसेप्ट कर लिया है कि जो आपकी एयर है, जो एयर की जो मूवमेंट है, वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से ट्रैवल होके लो प्रेशर एरिया में आती है. सो ऐसी मूवमेंट ऑफ एयर जो हाई प्रेशर ऑफ एरिया से लो प्रेशर एरिया में आती हैं, ऐसी मूवमेंट ऑफ एयर को हम कहते हैं विंड, ठीक है. सो यू कैन सी विंड एट वर्क एट इट्स ब्लोस ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. अब विंड जो है बेटा, वो माइल्ड भी हो सकती है, वो स्लो भी हो सकती है, और वो जो है बिल्कुल स्टॉर्म के टाइप भी हो सकती है, तूफानी हवाएं भी हो सकती हैं, ठीक है. सो समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोस जेंटली यू कैन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट. एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रांग इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट, ठीक है. अगर हम माइल्ड विंड की बात करें तो कभी कभार जो विंड होती है वो बहुत ही, आप कह सकते हो, जेंटली इट ब्लोज, इट मूव्स, ठीक है. और कभी कभार जो है हमें इतनी तेज़ हवा, इतनी तेज़ विंड होती है कि विंड में खड़े होना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है. सो ये डिपेंड करता है कि विंड जो है वो किस टाइप की विंड जो है आपके साथ चल रही है, माइल्ड जेंटल विंड है या फिर स्ट्रॉन्ग वाली विंड है. So you must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other examples when strong winds have created problems for you.
ठीक है, ये था विंड का जनरल कंसेप्ट। इसमें आपने बस यही याद करना है कि विंड जो है वो एक ऐसी मूवमेंट ऑफ एयर है जो कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ट्रैवल करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं डू यू नो, यहाँ पे बना हुआ है ब्लू बॉक्स, डू यू नो येट, मैंने आपको बताया हुआ है डू यू नो को इग्नोर करने की बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। सो अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। ठीक है, विंड कई ऐसे विंड्स हैं जिनके नेम्स जो हैं उनकी डायरेक्शन से बनाए गए हैं कि कौन सी डायरेक्शन पे वो ब्लो कर रही हैं। फॉर एग्जांपल द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली विंड्स। ठीक है, विंड अगर वेस्ट साइड से ब्लो कर रही है तो उसको हम वेस्टर्ली विंड बोलते हैं, अगर वो ईस्ट से ब्लो कर रही है तो हम उसको ईस्टर्ली विंड्स बोलते हैं। सो विंड्स के काफ़ी ऐसे नाम हैं जो उनकी डायरेक्शन से यू नो बनाए गए हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारा आने वाला है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ विंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे बच्चे ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल टीचिंग एग्जाम्स में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इफ़ यू चेक द, अगर आप पिछले सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करें स्कूल टीचिंग एग्जाम्स में तो ये बहुत बार आई हुई है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। ओके, सो विंड को जो है हमने ब्रॉडली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट इज़ योर परमानेंट विंड, सेकेंड इज़ योर सीजनल विंड एंड थर्ड इज़ योर लोकल विंड। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है विच वन इज़, मतलब इनमें से कौन सी जो है एक टाइप है विंड का, लाइक विच ऑफ दीज इज़ अ टाइप ऑफ विंड। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो यू शुड यू नो मेमोराइज दैट इज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ विंड्स, फर्स्ट वन इज़ परमानेंट विंड, सेकेंड वन इज़ सीजनल विंड एंड थर्ड वन इज़ लोकल विंड्स। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट विंड्स की। परमानेंट मतलब बिल्कुल ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट हैं। ठीक है, द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब जो परमानेंट विंड्स हैं, ठीक है, वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती हैं। ठीक है, अगर तो वेस्ट से ब्लो कर रही है तो वो वेस्टर्ली विंड होगी, अगर वो ईस्ट से ब्लो कर रही है तो वो ईस्टर्ली विंड होगी। ठीक है, बट दीज आर द परमानेंट विंड्स, वाई, बिकॉज दे ब्लो ये पूरा साल जो है थ्रू आउट द ईयर जो है वो ब्लो करती रहती हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीजनल विंड्स की। सीजनल विंड्स जैसे कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये सीजन्स के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जांपल मॉनसून्स इन इंडिया। ठीक है, अब जो सीजनल विंड्स हैं वो जो है टाइम टू टाइम डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी विंड्स आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे मॉनसून के टाइम पे जो मॉनसून विंड्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी सीजनल विंड्स में काउंट होंगी। ठीक है जी, सेकेंड थर्ड है आपकी लोकल विंड्स। लोकल विंड्स मतलब दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ ईयर इन अ स्मॉल एरिया, मतलब लोकल विंड्स आप बोल सकते हो कि हर एक स्टेट की, हर एक पर्टिकुलर रीजन की, हर एक पर्टिकुलर एरिया की अपनी अपनी लोकल विंड्स होती हैं। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर या पर्टिकुलर डे के ऊपर या फिर पर्टिकुलर ईयर के ऊपर जो है स्मॉल एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो है दे ब्लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीजेस। ठीक है, जो आपकी लैंड और सी ब्रीजेस हैं वो इसका एग्जाम्पल है। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। ठीक है, लू के बारे में आपने, लू जो है बहुत ही फेमस लोकल विंड है जो कि पंजाब एरिया में, ठीक है, जो 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 इंडिया के जो प्लेन एरिया हैं, ठीक है, जैसे आपके जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो है आपके एक पर्टिकुलर लोकल विंड जो है वो समर सीजन में ब्लो करती है, उसका नाम क्या है, लू। ठीक है, सो अगेन आपको बता देती हूँ, परमानेंट विंड्स होती हैं, सीजनल विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं। ठीक है, जो परमानेंट विंड्स हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, थ्रू आउट द ईयर ब्लो करती हैं। ठीक है, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जो है वो परमानेंट विंड्स की एग्जांपल है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली विंड्स आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ विंड्स। ठीक है जी, उसके बाद है आपकी सीजनल विंड्स, मतलब ये जो है पर्टिकुलर सीजन में ही ब्लो करती है, जैसे मॉनसून सीजन में मॉनसून विंड्स आती हैं। ठीक है, देन इज़ अ लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती है, जो पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर एरिया के अंदर ब्लो करती हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ द डे और पीरियड और अ स्मॉल एरिया।
ठीक है. फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्थ इंडिया में जो है लू जो है काफ़ी फेमस लोकल विंड है, जो कि समर सीजन में गर्मियों में ब्लो करती है. ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है जी, ओके. ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था. ठीक है, देखिए अब साइक्लोन के बारे में बच्चे इसका यहाँ से बहुत कम आते हैं, वैसे बहुत कम नहीं, यहाँ से जो है नहीं भी नहीं आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, सो जो साइक्लोन का पार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लास्ट हमारा यहाँ पे चैप्टर 4 7th क्लास ज्योग्राफी का लास्ट हमारा टॉपिक है मॉइस्चर. ठीक है, अगेन येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मॉइस्चर क्या होता है? Of course, when your water vapor evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. ठीक है, जब आपका जो पानी है, water है, जब वो evaporate होके हमारे atmosphere में जाता है, ठीक है, water bodies से. Of course, sun की rays जो हैं जब आपकी water bodies पे पड़ती हैं या पानी पे पड़ती हैं, तो water जो है वो evaporate होके atmosphere में फैल जाता है. ठीक है, moisture in the air at any time is known as humidity. ठीक है, ह्यूमिडिटी आप यू मस्ट हैव नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी जो होती है वो मॉइस्चर से जो है क्रिएट होती है. ठीक है, व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे. ठीक है, जितने ज़्यादा वाटर वेपर आपके एटमोसफियर में एग्जिस्ट करेंगे उतने ज़्यादा जो है आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो क्रिएट होगी, उतना ही मॉइस्चर जो है आपके इन्वायरमेंट में क्रिएट होगा. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. ठीक है, जब आपके water vapor increase हो जाएंगे आपके atmosphere में, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो humidity create होगी. ठीक है, और जब आपके आसपास का environment atmosphere humid होगा तो of course आपके जो है कपड़े जो है उनको सूखने के लिए भी लंबा time लगेगा, आपका जो पसीना है sweat है उसको भी सूखने के लिए लंबा time लगेगा. ठीक है, तो आप you may feel uncomfortable during a humid day. Why? Because of the presence of the water vapors in the atmosphere. ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं कुछ important. ठीक है, when the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. ठीक है, ये है आपका water cycle. आप कह सकते हो water cycle में evaporation होती है, condensation होती है, और क्या होती है, थर्ड वन क्या होता है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, व्हेन योर वाटर वेपर राइजेज, जब आपकी वाटर वेपर जो है वो एनवायरनमेंट में जाते हैं, इट स्टार्ट्स कूलिंग. ठीक है, सो जब तो ये जो है आपका कंडेंसेशन जो है वो कहीं ना कहीं बनती है. कंडेंसेशन से क्या बनते हैं, आपके बादल बनते हैं. ठीक है, सो व्हेन द कंडेंसेशन हैपन्स, व्हेन द कूलिंग ऑफ इवेपोरेशन हैपन्स, तो क्या बनते हैं, उससे बादल बनते हैं हमारे इन्वायरमेंट में. When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down as precipitation. बिल्कुल, जब आपकी रेनफॉल होती है, ठीक है, जब जो है कंडेंसेशन हो जाती है, तो कंडेंसेशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, When it rains. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर जो है आपका वाटर साइकिल बन जाता है. वाटर बॉडीज से, ठीक है, वाटर बॉडी से पानी इवेपोरेट होके एटमोसफेयर में आया, वाटर वेपर्स बने, उसके बाद कंडेंसेशन हुई. ठीक है, कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, अगेन पानी जो है वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो है लैंड एरिया में दोबारा से आ जाता है. ठीक है, सो जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस. ठीक है, अब आपने देखा होगा जब भी जेट प्लेन्स जो है आप हवा में उड़ते हैं, ठीक है, अपने पीछे वो एक जो है वाइट रंग की एक थोड़ी सी लाइन जो है वो इट लेफ्ट सम वाइट कलर लाइन्स, राइट, तो वो वाइट कलर लाइन्स क्यों आती हैं, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर इन साइड द इंजन्स. ठीक है, जो कंडेंस हो जाता है. वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन द एयर इज नो, व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट. ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमें वो जो वाइट कलर लाइन है, जो ट्रेल है वो दिखता है. ठीक है, उसके बाद जो है वो हवा में मिक्स हो जाता है. ओके, प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन.
मैंने आपको पहले ही बताया, जब प्रेसिपिटेशन होती है तो रेनफॉल होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट। रेन वाटर फ्लोज डाउन टू द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, ठीक है। सो इसमें क्रक्स यही है कि जो आपका प्रेसिपिटेशन है वो क्या होता है, इट हैपन्स यू नो इन द लिक्विड फॉर्म एज रेन, ठीक है। हमारा जितना भी ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर ही होता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल इज देयर, ठीक है। सो यहाँ पे थ्री टाइप्स की रेनफॉल होती है एज पर द मैकेनिज्म, ठीक है। द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। तीन टाइप की रेनफॉल होती है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म, कौन कौन सी होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। इस पिक्टोरियल से समझेंगे वन बाय वन। अब साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, बिल्कुल साइक्लोनिक मतलब एक प्रॉपर वाटर साइकिल जो है आपका हो रहा है, वार्म एयर ऊपर गई, ठीक है, कंडेंस हुआ और वहाँ से प्रेसिपिटेशन हुआ, ये हो गया आपका साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। फिर आ गया आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसको हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, लाइक व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रिलीफ रेनफॉल या व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। सो यू मस्ट मेमोराइज दैट अगर रिलीफ रेनफॉल है या ओरोग्राफिक रेनफॉल है तो वो एक ही टाइप की रेनफॉल होती है, ठीक है। सो रिलीफ रेनफॉल में क्या होता है, अगेन वही है, मॉइस्ट एयर जो है वो हवा में जाती है, वाटर वेपर क्रिएट करती है, कंडेंसेशन होती है और वहाँ से जो है पानी का जो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल कहाँ पर होती है, ये होती है आपके प्लेन एरियाज में, ठीक है। उसके बाद है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, सिंपल वार्म एयर ऊपर गई, ठीक है, और वहाँ से प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है। इसमें जो है हवा के ठंडे होने का कोई कंसेप्ट नहीं है कन्वेक्शनल रेनफॉल में, ठीक है। साइक्लोनिक में कोल्ड एयर का भी कंसेप्ट है और इसमें ऑरोग्राफिक और रिलीफ वाले में मॉइस्ट एयर का कंसेप्ट है, लेकिन कन्वेक्शनल रेनफॉल में सिर्फ और सिर्फ वार्म एयर का कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, आगे चलते हैं। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस। इफ़ द रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट अकर, ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर फ्लड्स टेक प्लेस, ठीक है। अब रेनफॉल जो है वो भी बैलेंस होनी चाहिए, अगर तो कम रेनफॉल हो रही है तो वाटर की कमी, वाटर स्कार्सिटी हो सकती है, ड्रॉट हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, और अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड्स आ सकते हैं। तो रेनफॉल में जो है आपका ने एक जो रेनफॉल होनी चाहिए वो एक बैलेंस में होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, सो अब आ गया मेरा फेवरेट पार्ट, ठीक है। आपको ये पता है कि जब भी कोई चैप्टर ख़त्म होता है तो मैं टिक टॉक एक्ट आंसर जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में टिक द करेक्ट आंसर का राइट आंसर ज़रूर बताए। चलिए देखते हैं, फर्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई एम वेटिंग। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, ओके। नेक्स्ट इज, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर द प्रेशर व्हाट, प्रेशर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है या फिर वो कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज, व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड डैश। अब ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए,
कोई भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे ज़रूर आस्क कीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में आके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आप जो है एज़ यू नो कि हम अपने इस चैनल के थ्रू आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं और फ्यूचर में भी करवाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कल मैं नया चैप्टर लेके आऊँगी आपके लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय।